बिजनौर। दोस्तों बिजनौर भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला एवं शहर है। सड़क पर दौड़ती गाड़ी की नंबर प्लेट पर आपको यूपी 20 लिखा दिखे तो समझ जाना कि आप बिजनौर में हैं। वही बिजनौर जिसे एक और महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, परम संत ऋषि कर्ण और महात्मा विदुर की कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों यह खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अकबर के समय उनके नवरत्न रहे अबुल फजल और फैजी का पालन पोषण बिजनौर के बाष्टा के पास ही हुआ था। वर्तमान में बिजनौर जिला कई सारे राजाओं के उत्थान और पतन के अवशेषों को अपने दामन में समेटे हुए है। दोस्तों भारत की आज़ादी के लिए बिजनौर निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज़ादी की लड़ाई के समय सर सैयद अहमद खां बिजनौर में ही मौजूद थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख सरकसी ए बिजनौर उस समय के इतिहास पर लिखा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों बिजनौर के ग्राम पैजनिया में चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी के जरिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ अन्य क्रांतिकारियों ने भी यहाँ शरण ली थी। शुरुआत में बिजनौर का नाम बैन नगर था, बाद में बोलचाल की भाषा में आते आते बिजनगर और अब बिजनौर के नाम से नई पहचान मिली। दोस्तों बिजनौर जिला सड़क रेल व वायुयान द्वारा भारत के तमाम शहरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। बिजनौर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन बिजनौर रेलवे स्टेशन है और नज़दीकी हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसकी दूरी बिजनौर से 168 किलोमीटर है। दोस्तों बिजनौर के उत्तर में हरिद्वार जिला, पूर्व में नैनीताल जिला और ऊधम सिंह नगर जिला, दक्षिण में अमरोहा जिला और पश्चिम में मुजफ्फरनगर जिला स्थित है। दोस्तों बिजनौर की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसके साथ ही बिजनौर धागा बनाने के लिए भी जाना जाता है। 4561 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बिजनौर जिले को 5 तहसीलों में बांटा गया है। तहसीलों में बिजनौर, नगीना, धामपुर, चांदपुर, नजीबाबाद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 36,82,713 है, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या 19,21,215 है और महिलाओं की जनसंख्या 17,61,498 है। यहाँ का लिंगानुपात 917 है। दोस्तों वैसे तो बिजनौर में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन हिंदू 55% के अलावा यहाँ 43% एक बड़ी आबादी में मुस्लिम धर्म के लोग भी निवास करते हैं। 2011 की साक्षरता के आधार पर यहाँ की साक्षरता 68.48% रही है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता 76.56% और महिलाओं की साक्षरता 59.72% है। दोस्तों अब चलते हैं बिजनौर के खूबसूरत व ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की ओर, जिनके लिए बिजनौर अपनी एक खास पहचान रखता है। गंगा बैराज। दोस्तों बिजनौर शहर से थोड़ी ही दूरी पर गंगा बैराज गंगा नदी पर बनी जल परियोजना है। इस बैराज पर आपको बैठने के लिए सुंदर घाट मिलते हैं। इसके साथ ही लगभग 700 मीटर लंबा पुल भी देखने को मिलता है। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। विदुर कुटी आश्रम। दोस्तों यह आश्रम बिजनौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर तारानगर गंज में देखने को मिलता है, जो बिजनौर का प्राचीन पर्यटन स्थल है। इस आश्रम का महत्व महाभारत काल से है। इस आश्रम को महात्मा विदुर ने बसाया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ ठहरे हुए थे और भोजन में उन्होंने बथुए का साग खाया था। यहाँ हर साल एक मेला भी लगता है। नजीबुद्दौला का किला, सुल्तान डाकू का किला। दोस्तों बचपन में डाकू सुल्ताना की कहानी तो लगभग सभी ने सुनी होगी। वही सुल्ताना जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पुलिस कभी पकड़ ना सकी, जिसका इस क्षेत्र पर डंका बजता था। यह किला उस समय के नवाब नजीबुद्दौला ने बनवाया था। अब यह किला पुरातत्व विभाग की निगरानी में है, लेकिन अब यह किला क्षतिग्रस्त स्थिति में नजर आता है। राजा का ताजपुर गिरजाघर बिजनौर। दोस्तों बिजनौर शहर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर राजा का ताजपुर जिले की एक नगर पंचायत है। राजा का ताजपुर अपने ऐतिहासिक और शानदार चर्च के लिए जाना जाता है। दोस्तों देखने दिखाने के लिए बिजनौर जिले में और भी बहुत सारी शानदार जगहें हैं, जिनके बारे में एक वीडियो में बताना मुश्किल है। अब आपसे मुलाकात हुई एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।